एटा से बड़ी खबर, जहां जलेसर थाना इलाके के पास भीषण सड़क हादसा हुआ है। आपको बता दें कि डीसीएम के अचानक पलटे जाने से 14 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई है, जबकि 28 लोग बुरी तरीके से घायल हुए। हादसा करीब 2:30 बजे के आसपास हुआ, जब आगरा जिले के नगरिया अहीर के रहने वाले परिवार ने एटा के जलेसर में तिलक चढ़ाने का कार्यक्रम था और वहां से लौटते हुए यह हादसा हुआ। ये लोग तिलक चढ़ाकर आगरा वापस लौट रहे थे, रास्ते में डीसीएम पलट गई और हादसे का शिकार हुई, जिसके बाद आपको बता दें कि 14 लोगों की मौत हुई जबकि 28 लोग घायल हुए। घायलों को जैसलमेर के जलेसर के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र आगरा में भर्ती कराया गया। आगरा मेडिकल कॉलेज में उन सभी का इलाज किया जा रहा है। आपको ये भी बता दें कि एटा के जिलाधिकारी अमित किशोर और SSP पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों के साथ मौके पर पहुंचे हैं, स्थिति का जायजा लिया है और बताया भी जा रहा है कि मरने वालों की संख्या में इजाफा हो सकता है। डीसीएम पलटने के बाद यह हादसा हुआ जिसमें 14 लोगों की अब तक मौत हो गई है और जो घायल हैं उनका इलाज इस बीच आपको बता दें कि आगरा के जिला अस्पताल में किया जा रहा है। हालांकि कहा यह भी जा रहा है कि जो लोग हैं मरने वाले हैं उनकी संख्या में इजाफा हो सकता है। और इस बीच आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पर 300 तस्वीरें देख रहे हैं। आप देख सकते हैं कि भीषण हादसा किस तरीके से हुआ, डीसीएम पलटी और उसके बाद 14 लोगों की मौत हुई। आपको ये भी बता दें कि तकरीबन 28 लोग घायल हुए जिन्हें अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया। तो 3 अलग अलग तस्वीरें जो हादसे की तस्वीर दिखाने के लिए काफी है। एक तरफ भीषण हादसा हुआ, दूसरी तरफ घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया। घटना है और इसमें 14 लोगों की मृत्यु हो गई है। कैंटर बहुत ही तेज स्पीड में कैंटर जिसमें तिलक के लिए लोग आए हुए थे आगरा से, 42 लोग सवार थे और जैसी जानकारी हुई तत्काल एम्बुलेंस मूव किया गया और बगल में ही CHC जलेसर में इनका प्रारंभिक उपचार किया गया और तत्काल जो है 28 लोगों को वहाँ भेज दिया गया SN मेडिकल कॉलेज आगरा। उसकी जाँच की जा रही जो भी है और वहाँ आज ही CNPWD को बता दिया गया है। एटा में आज एक बड़ा हादसा हुआ जिसमें 14 लोगों की जान चली गई है। आगरा से लेकर लोग लगुन टीका लेकर आए थे जलेसर में, लौटते वक्त ड्राइवर की नींद या शराब पीने की वजह से ये बड़ा हादसा हुआ है। जाके नाले में जो बस है वो गिरी है जिसमें 14 लोगों की जान चली गई है। घायलों को आगरा मेडिकल कॉलेज में रेफर किया गया, एडमिट कराया गया है और जो मृतक हैं 14 उनके शवों को जिला चिकित्सालय एटा में लाकर उनका पोस्टमार्टम कराया। DM SSP जिला चिकित्सालय पर मौके पर हैं। गौरव तोमर के साथ धनिया सिंह भदौरिया, समाचार प्लस एटा। और ज्यादा जानकारी के लिए मेरे सहयोगी धनंजय जुड़ चुके हैं। धनंजय, लगातार हम तस्वीरें दिखा रहे हैं अपने दर्शकों को, जानेंगे आपसे कि इस बड़े हादसे की वजह आखिर क्या रही। देखिए मैं आपको बता दूं, इसमें जो हादसा हुआ है उसकी सबसे बड़ी जो कमी है वो ड्राइवर की रही है। या तो अभी जो जैसा SSP ने और DM ने बताया है, जिलाधिकारी अमित किशोर ने, उनका कहना है कि ये इसकी जांच कराई जा रही है। ये भी लोगों का समर्थ कहना है कि DM ने शराब पी रखी थी तो शराब के नशे में उसने जो ये ट्रक है वो नाले में जो नहर है उसमें गिरा दिया है, जिससे कि ये इतना बड़ा हादसा हुआ है जिसमें 14 लोगों की जान चली गई, 28 लोग घायल हैं। और आप देखिए जिस परिवार में आने शादी थी कल लगुन टीका लेकर लोग आए थे जिसमें इतना बड़ा हादसा हुआ है और ये पूरे एक जो खत्म हुए हैं वो एक पूरा परिवार है। पूरे परिवार के कुछ ऐसे हैं जिनका घर का दीपक बुझ गया है। तो ये बड़ा एक इतना बड़ा हादसा हुआ है, यहाँ लोगों में बड़ा अफसोस है, लोग यहाँ परेशान हैं कि इतना बड़ा हादसा हो गया उस पूरे गांव में जहाँ ये शादी का समारोह था, जो आगरा में नगला अहीर जो गांव है वहाँ का मातम देखने लायक होगा कि लोग कितने परेशान होंगे, उन कितना दुख होगा उन लोगों को। जी बिल्कुल धनंजय, शुक्रिया आपका धनंजय पूरी जानकारी के लिए।